वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जेईई सेवी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो फ्रेंड्स कई बार कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक छोटा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो एटीएम एरर कोड्स हैं वो भी आपने याद कर लेना है, क्योंकि उससे भी कई बार रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे एटीएम एरर कोड 56 है तो वो क्या है, इनएलिजिबल अकाउंट है। 62 है तो पिन ट्राइज एक्सीड, मतलब आपने 3 4 बार गलत पिन लगा दिया उस वजह से भी एरर आ रहा है, तो वो एरर होता है एटीएम एरर 62। तो आपने क्या करना है, एरर्स वगैरह एक बार मॉकअप कर लेने। तो अब ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है, 2.4% अबव एमसीएलआर इंटरेस्ट रेट चार्ज फॉर 1 ईयर अंडर एसबीआई ब्रिज लोन। जैसे मान लो आपने कोई लोन लिया और आपको थोड़े से पैसे की और जरूरत पड़ेगी, तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रिज लोन बोलते हैं। थोड़े से पीरियड के लिए और थोड़े से अमाउंट के लिए कर दिया जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए टर्म लोन। टर्म लोन अवेलेबल फॉर एसबीआई प्रिविलेज और शौर्य। ये प्रिविलेज और शौर्य किसको मिलता है, ये है हमारे डिफेंस पर्सनल्स के लिए, तो ये टर्म लोन के फॉर्म में अवेलेबल है। स्पॉन्सर इस्टेब्लिशेस, अ स्पॉन्सर इस्टेब्लिशेस क्या इस्टेब्लिश करता है, म्यूचुअल फंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कितना लैक मिनिमम मैक्सिमम लोन हो सकता है इंस्टा योनो लोन। तो ये सॉरी, इट हैज टू बी रिटन इंस्टा इंस्टा योनो लोन कितना होना चाहिए मैक्सिमम, 5 लाख रुपए। MDFS ये क्या होता है, मॉर्टगेज डीलर फाइनेंस स्कीम, तो ये है 50 लाख रुपए के लिए। ये किसको दिया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़े डीलर्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल पंप्स वगैरह उस डीलर्स हैं इंडियन ऑयल के, तो उनके लिए ये है MDFS, ये EDFS जिसे बोलते हैं, मॉर्टगेज डीलर फाइनेंस स्कीम है ये, तो ये 50 लाख रुपये तक होती है। IDPMS ये है इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, IDPMS बोलते हैं इसको, इम्पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। C3 in CIMB क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिन, C3 कहलाती है। PMAY ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, PMAY किससे रिलेटेड है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड है। आपको पता है कि LIG MIG में जो मकान बनाने के लिए PMAY के थ्रू कुछ सब्सिडी दी जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। MDR फॉर POS ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड कितना है, 1.5% प्लस GST, तो ये इसीलिए जो ये शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो 2% एक्स्ट्रा लेते हैं। 54 SBIL Ds है हमारे पास, ठीक है। मिनिमम CLTD डिपॉजिट कितना है, 10,000, तो ये मिनिमम CLTD डिपॉजिट कितना है, 10,000 रुपये का। पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है, फ्रूट से। ये जो लॉजी लॉजी इस तरह के साइंस हैं, रिवॉल्यूशन हैं, इसके एक अलग से वीडियो बन चुकी है और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है फ्रूट से। फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन हमेशा आता है बार बार कि लोन अगेंस्ट किस चीज के अगेंस्ट कितना कितना लोन मिलता है, तो ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। TDR STDR के केस में आपको मिलता है 90% लोन। जैसे अगर मान लो आपकी FD 1 लाख रुपए की, तो आपको कितना मिलेगा, 90,000 रुपये लोन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगेंस्ट शेयर्स और डिबेंचर केस में, तो 10 लाख रुपए तक मिलेगा, फिजिकल है या फिर डीमेट अकाउंट है। तो LIC में 95% ऑफ सरेंडर वैल्यू, मान लीजिए कि आपने LIC की पॉलिसी कराई है और उसमें आपने 2 लाख रुपये जमा कर दिए, लेकिन उसकी सरेंडर वैल्यू आज 1.5 लाख है, तो उस 1.5 लाख का 95% ही आपको मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड उसका कितना होगा, 36 महीने होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। NSC KVP IUP में कितना मिलता है आपको, 60% ऑफ द फेस वैल्यू। मान लो आपने NSC खरीदी है 1 लाख की, तो आपको 60,000 रुपये लोन मिलेगा। एक्रूड इंटरेस्ट फॉर पब्लिक और 85% मिलता है स्टाफ के केस में, और रिपेमेंट पीरियड कितना होता है इसमें, 24 या फिर 48 महीने, 24 महीने या फिर 48 मंथली इंस्टॉलमेंट तक, ठीक है, मतलब 1 साल या 4 साल तक का लोन मिलेगा उसमें। डिपेंडिंग ऑन द लोन के ऊपर होता है कि कितना बड़ा लोन है, तो उस हिसाब से रिपेमेंट होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे, मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर स्मॉल बैंक्स। स्मॉल बैंक्स के लिए पेड अप कैपिटल कितना है, 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। टैट फॉर KCC लोन कितना है, 3 दिन। मान लो आप आज KCC लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो 3 दिन में आपका हो जाना चाहिए, ठीक
ये बैंक के नॉर्म्स है। मैक्सिमम लोन फॉर केसीसी कितना है, 10 लाख रुपए और माइनस टर्म लोन आउटस्टैंडिंग, अगर कोई आउटस्टैंडिंग खड़ी है तो उतना उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन वैसे जो केसीसी लोन होता है वो 3 लाख रुपए तक आप लेंगे तो सबवेंशन मिलेगा, 3 से ऊपर आपको सबवेंशन नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो आपने 5 लाख का केसीसी लोन लिया है तो आपको 3 लाख रुपए तक तो सबवेंशन मिलेगा, लेकिन जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा और मिले आपको तो उस पर आपको फ्लैट रेट चार्ज होगा और उस पर आपको कोई सबवेंशन नहीं मिलेगा। आई प्रूफ फॉर ऑल लोन ऐप ये किस लिए है, 10 लाख और अबव के लिए, ठीक है। लिमिट फॉर ट्रांजेक्शन सॉरी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर अंडर RINB कितना है, $5,000। जो आप रिटेल इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उससे आप इंटरनेशनली फंड्स भी भेज सकते हैं, लेकिन उसकी और ट्रांसफर लिमिट जो होगी वो होगी $5,000 पर डे। सेफ कस्टडी या सिक्योरिटी आर बैलेंस्ड वंस इन हाफ ईयरली, स्क्रिप्ट विड्रॉन टू बी एंटर्ड इन द स्क्रिप्ट एक्सक्रेशन रजिस्टर, AOF टू बी प्रिजर्व फॉर 5 ईयर्स एज पर FATF KYC नॉर्म्स। इट केम इन टू फोर्स ऑन, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि FATF ने जो KYC नॉर्म्स दिए थे वो कब से लागू हुए हैं। नेक्स्ट कहता है LLP टू बी रजिस्टर्ड विद द ROC, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो ROC में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। नेट असेट्स आर डिफाइंड एज टोटल असेट्स अदर देन कैश एंड बैंक बैलेंसेज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे MCLR और स्प्रेड के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि बेस रेट होता था, उसके बाद में आपका BPLR आया, फिर अब है MCLR आ गया। ये RBI क्यों बार बार चेंज करता है इसको, इससे क्या है कि पारदर्शिता हो कि ताकि सस्ता लोन लोगों को मिल सके, ठीक है। तो इसमें आपका देखो MCLR का फुल फॉर्म आता है कई बार कि मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट, ठीक है। तो इसी बेस पे जो है आपको लोन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। स्प्रेड बेसिकली क्या होता है कि जैसे 2% हायर मिल रहा है, 3% मिल रहा है तो वो स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। रीपेमेंट्स पीरियड फॉर सुपर बाइक, सुपर बाइक लोन मिलता है तो वो कितने साल के लिए होता है, वो होता है 5 साल या फिर 60 महीने के लिए, क्योंकि सुपर बाइक जो है बहुत महंगी होती है। मैक्सिमम लोन अगे अमाउंट अंडर SME कार लोन इज 48 टाइम्स NMI। कार लोन जो है कितना मिलता है, नेट मंथली इनकम जो आ रही है आपकी उसको आप 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आपको कार लोन मिल सकता है। PPK हैज टू बी क्लेम बाय द INB ऑफिसर अंडर ई स्मार्ट SME ई कॉमर्स लोन, मैक्सिमम लिमिट अमाउंट कितना है, 25 लाख रुपए तक है। नोडल एजेंसी फॉर फेटका या CRS के लिए कौन है, CBDT है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। इन पावर पैक अकाउंट मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड कितना है, 5 लाख रुपए। इन स्टेट बैंक बिजनेस डेबिट कार्ड प्राइड डेली कैश विड्रॉल कितना है, 1 लाख रुपए तक। अगर मान लो आपके पास प्राइड कार्ड है ATM कार्ड तो आप 1 लाख रुपए तक कैश ATM से निकाल सकते हैं। अनक्लेम डिपॉजिट टू RBI सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अनक्लेम डिपॉजिट जो है RBI को उसकी रिपोर्ट भेजनी होती है, किस रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। आई ट्रेम्स किससे रिलेटेड है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है आई ट्रेम्स। ATM कनेक्टिविटी किससे रिलेटेड है, ये NFS से। फ्रेंड्स अब कुछ सॉफ्टवेयर्स देख लेंगे, अलग अलग हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, तो देखेंगे कौन कौन सॉफ्टवेयर कहाँ यूज होते हैं। ट्रेड फाइनेंस ये सॉफ्टवेयर यूज होता है एग्जिम बिल्स में, जो हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल्स बनाते हैं वहाँ पर ये ट्रेड फाइनेंस सॉफ्टवेयर यूज होता है। ASC सॉफ्टवेयर यूज होता है BIS 24 में। फॉरेन ऑफिस में पिनाकल, CDC में आपका BANX 24, ब्रांचेज में बैंक्स लिंक, मनीग्राम में डेल्टा वर्क, ALM में ऑफ्सा, WUMT में ट्रांसलिंक, ऑनलाइन फॉरेक्स रेट्स में मर्कुरी FX और गवर्नमेंट बिजनेस में निकनेट, UCBS जो है फॉरेन में इन्फोसिस यूज करते हैं। ABL की फुल फॉर्म पूछी हुई थी एक बार, तो ये होता है एसेट बेस्ड लोन। TPD क्या होता है, थर्ड पार्टी गारंटी, सॉरी TPG होता है वो, थर्ड पार्टी गारंटी। TPD इज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग डिवाइस। होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।